अरे राहुल भाई, शादी की तुमको अग्रिम शुभकामनाएं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, शादी में ज़्यादा लोगों को बुलाना मत, खर्चे के चक्कर में पड़ना मत। 21 से 23 तारीख तक बढ़िया कार्यक्रम है। मैंने सोचा कि आपको पहले ही शुभकामना दे देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामना। और ये मेरी वाइफ भी आई है। बोल बोल। अरे राहुल भाई, मैं आपको एक शुभकामना देने की बात करती हूँ। कि बहुत दिन से शादी का चल रहा था, पर वो सुनील भैया मान ही नहीं रहे थे, पर आखिरकार मान गए। भीड़ है कयामत की। 100 में भी 100 में भी अकेले है, और 150 में भी अकेले है। बहुत बहुत शुभकामना। ये गुलाब का फूल ले, और हार्दिक शुभकामना। अरे रोहित भैया और भाभी जी, आप यहाँ तक मेरे को शुभकामना देने आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने मेरे ससुर जी को बोला है कि देखो शादी की एक शर्त है, आप हेरा फेरी 3 बनाइए, और वो ब्लॉकबस्टर होंगी जब भी शादी करेंगे। अनाउंसमेंट कर दी है हेरा फेरी 3 की। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे राहुल, तेरी बात सुन के मेरे को बड़ी आनंद की बात हो रही है। हेरा फेरी 3 अनाउंसमेंट कर दी बोले, और मेरे को जानकारी नहीं। मेरे को भी उसमें एक रोल दे देना। आपकी तो अब बहुत ज्यादा पहचान हो गई है सुनील भैया से, उनको बोल के मेरे को एक आधा रोल दिला देना। मैं कबीरा स्पीकिंग बन जाऊंगी, और आपने भी बन जाना, और ये रोहित भैया को भी पिक्चर में ले लेना। बढ़िया, अब शादी से ज्यादा खुशी तो ये हेरा फेरी 3 की है। एक गाना ले लो, कितने अरमान मान जागे तेरे वास्ते, सोनिए या सताए तेरी हेरा फेरी 3, या सताए तेरी हेरा फेरी 3। अरे भाभी जी, आपने तो मजा ला दिया, एक गजब का गाना गाया है। आपको भी हेरा फेरी 3 में काम मिलेगा, रोहित भैया को भी मिलेगा। मैं तो उसमें पिक्चर में कचरा सेट बना हूँ, बंदूकों की हेरा फेरी करेगा ना वो। कौन आपको मालूम है ना राजू, तो मैं बंदूक खरीदूंगा और सबको हेरा फेरी 3 में लूंगा। और हेरा फेरी 3 गजब की हिट हो जाएगी। शादी की शुभकामना दी, बहुत बहुत धन्यवाद।